अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अफजल खान एंड मिसेज अफजल खान। ये मिसेज मेरी अभी बताइए जी क्या बना रही। ये हम चिकन टिक्का फ्राई बनाने लगे हैं, तो इसका मैं ग्रीन मसाला बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली लोग सूखे मसालों का बनाते हैं, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया है। इसके अंदर मैंने ग्रीन चिल्ली, ग्रीन कोरिएंडर और टमाटर और प्याज, इसको मैं पहले फ्राई करूंगी, चॉप करूंगी दही के अंदर। इसके अंदर मैंने सारे मसाले लिए हैं, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला और चिल्ली, ये सारा लिया। अभी मैं इसके अंदर भी थोड़ी सी दही डाल के मिक्स करूंगी। और ये मेरा दो मुर्गियाँ हैं, तो ये दो मुर्गियाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं फ्राई करूंगी और फिर इसको थोड़ा सा प्याज लेके ना उसके अंदर फ्राई करके उसके अंदर डालूंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। पहला स्टेप तो यही है कि इसको हमने चॉप करना है, तो ये मैं चॉप करने लगी हूँ। इसे कहते हैं ग्रीन मसाला। और उसके साथ फिर मैं डालूंगी दूसरा रेड मसाला भी, दोनों मसाले डालेंगे इसमें और फिर ये फ्राई होगा। ये सारा इसमें शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी सी नीचे चला जाता है तो फिर मैं इसके अंदर दही भी डालूंगी। थोड़ा सा करीब आ जाए क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी वो डाल देती हूँ दही, ताकि ये थोड़ा सा और भी हो जाए मस्त माहौल। ये मैंने इसमें दो चमचे तकरीबन दही डाल दिया, क्योंकि मैंने दो चमचे उसमें भी डालने हैं रेड जो मसाला उसके अंदर भी डाल। ये मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ जी, ये मेरा अंदर का भी काम खत्म हो गया। ये अभी ये सारा मैं डालने लगी हूँ चिकन और ये गैस का काम खत्म चिकन का यहाँ पे। और इसके अंदर मैं ये डालने लगी हूँ चॉप किया हुआ सा मसाला। बेटा जो है ना वो नहीं खाता, ये मटन नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने टिक्का चिकन टिक्का फ्राई कर रही हूँ। ये शौक से खा लेगा, थोड़ा स्पाइसी पसंद करता है तो थोड़ा स्पाइस इसके अंदर देखें। ये सारा ग्रीन मसाला एडजस्ट हो गया। अब ये मैं इसके अंदर ये वाला मसाला, इसमें भी मैं एक चम्मच दही डाल रही हूँ। वो कौन सा मसाला? ग्रीन ग्रीन नहीं, ये जो नमक मिर्च हल्दी अच्छा, और कुटी भी लाल मिर्च रेड मसाला और थोड़ा सा फूड कलर येलो कलर का। इसके अंदर मैंने डाल दिया सारा ये भी, और इसको मैं आधे पौने घंटे के लिए रखूंगी। फिर मैं इसे स्टीम करूंगी ताकि ये गल जाए, उसके बाद मैं फ्राई करूंगा। बल्कि स्टीम भी क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे स्टीम में तो टाइम। हाँ, थोड़ी सी नहीं, सब इतना सा काम था इसका। इसके बाद ये फ्राई होगा और फिर ये मसाला, एक प्याज मैं थोड़ी सी और थोड़ा सा मसाला और डालूंगी, तो ये उसमें फ्राई करके उसमें मिक्स कर दूंगी उस मसाले में। तो यहाँ तक ये काम अच्छी तरह मैं इसको बस ना मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ देखे। नमक चेक लूँ, परफेक्ट। ये है हमारा
कंप्लीट हो गया है। अभी से ना आधे घंटे के बाद मैं फ्राई करूँगी। अब तो दो दो तीन तीन घंटे में ना मुर्गी का क्या वो, मुझे तो रहता है कि और मटन को मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, मुर्गी को इतना टाइम नहीं लगता है। चलिए व्यूअर्स देखें, हमने ये मेरा मैरिनेट हो गया है। हमने इसके अंदर ना ये देखें कितना ज़बरदस्त है। अब इसे फ्राई करने लगी हूँ। दूसरा स्टेप इसका फिर इसके बाद है तीसरा स्टेप। अभी आपको दिखाऊँ पहले ये मैं इसमें तो एक स्टेप ये भी है कि इसे स्टीम किया जाए और उसके बाद फ्राई किया जाए। तो मैंने स्टीम वाला पोर्शन हटा दिया इसमें से, क्योंकि बहुत वो ज़्यादा गल जाता है उसमें। ये इसमें ज़रा करारा रहेगा और उसके बाद मैं इसे इसका थोड़ा सा प्याज और जो मैंने शिमला मिर्च काटी है प्याज है इसमें मैं भूलूँगी लहसुन अदरक डाल के। तो उसके बाद ये फिर शिमला मिर्च डालूँगी इसी में ना गल जाएगा। अगर स्टीम करते हैं ना तो वो फिर ज़्यादा हो जाता। तो ये सारा मैं बना के ना कंप्लीट हो जाए ये पोर्शन। तो फिर दो तीन पॉइंट देखे हैं इसके बाद Yes, viewer. देखें व्यूअर्स ये मेरा फाइनल स्टेज चिकन के। ये देखें मेरा सारा चिकन टिक्का फ्राई हो चुका है। ये देखिए मस्त बन रहा है और इतना कोई टेस्टी है कि कुछ हद नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ, वही जिसमें मैंने फ्राई किया था ना। फिर ऑयल चलो कोई बात, कभी कभी चलता। प्लीज कभी कभी चलता है। चलिए मैंने इससे कर लेती हूँ। देखे मैं अब इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी प्याज, सुहाजा थोड़ी थोड़ी प्याज, बसर मेरा भी प्याज। इसको थोड़ा सा मैं सौते करूंगी हल्का सा बस। देखो मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है हालांकि भी क्योंकि ये फ्राई हुआ ना इसलिए। इसमें टमाटर वगैरह हर चीज़ है इसलिए मैं नदी कोई चीज़ नहीं डालूंगी। फिर शिमला मिर्च और उसका गार्निश और उसके प्याज से करूँगी। शरी कह रहा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मेरे खाने देख देख के ना मेरा वो होता है मुझे क्या हाथ देखो कैसे मजेदार खाने बना रही है। कहते मैं तो मेरा पेट ही भर जाता है। वो मैंने उसे ईद मुबारक कहा, मैं क्या किया आज ईद पे, कहता जो हो ही नहीं सटी कल लंदन वाले की कल मैं समझ रहा था आज लंदन की। मैं इतने मजेदार खाने बना रही हूँ। हाँ बस वहाँ भी मौलियों के हाथ है ना चांद देखना, मौली फड्डा डाल देते मौलियों की भाई। साइंस है, अल्लाह पाक ने को मना थोड़ी किया तरक्की पे, साइंस बता देती है सालों का बता देते हैं। लेकिन मौलवी जी तेरे हैं फड्डा हल्की मैंने सौते कर लिया तेल पे ज्यादा मैं जब मसाला नहीं बनाना हल्का सा क्योंकि मसाला ऑलरेडी ये बना हुआ है यही डालूंगी इसके अंदर। ठीक है इसके अंदर अब मैंने डालने लगी हूँ एक चम्मच अदरक का और एक ही चम्मच
लहसुन का बड़ा चम्मच, अच्छी तरह से सोते हो जाएगा में भुंजे लहसुन मसाला थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची कम है तो ये थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि सर ऑलरेडी है नमक इसमें। बच गया ये पहले बना के रखा था। नहीं, जिसमें मैंने ये मैरिनेट किया हुआ था। ओके। चिकन को अच्छा वो ला। प्यारी सूंदी सूंदी खुशबू आ रही है। कमाल है, कमाल आवाज में इसकी आ रही है। सो गया मेरा काफी, ज्यादा सारे डाल देते हैं और डाल देते हैं मसाला बड़ा है। थोड़ा सा और मैं इसे सोते कर लेती हूँ। चिकन डालूंगी, उसके बाद थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी शिमला मिर्च, टेम्परेचर। फिर ये फाइनल स्टेज आ गई। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ माशाल्लाह से। ये ना देखें क्या कलर है इसका, अब क्या इसके इसमें डालूंगी मैं अब शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च मैंने काटी है और एक मैंने प्याज, ये बस हल्के हल्के सोते करके मैंने इसे दम लगा दूंगी, और एक मैं ग्रीन चिल्ली दम लग के ना फाइनल, फिर डिश आउट करेंगे ना। डिश आउट तो बाद में करेंगे, ये फाइनल है। ठीक है, ये ले। मिक्स कर, ये प्याज को पनीर से करना, क्योंकि प्याज की भी कच्ची कच्ची ये दम में हो जाएगी, और हमें टाइम मिला तो हम जब डिश आउट करेंगे आपको दिखा देंगे। लास्ट सीन ले लेंगे ना, शूट कर लेंगे लास्ट सीन। वाह जी, व्यूअर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको आप भी ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त डिश बन रही है, इसकी खुशबू बता रही है, तो मैं बहुत मज़ेदार बन रही हूँ। बहुत टेस्टी है। ओके, लास्ट स्टेज पे फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। मैं थोड़ा दम लगा दूंगा इसे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। थैंक यू। ये व्यूअर डिश आउट हो गई हैं दोनों डिशेस। Thank you.
ये चिकन वाली है, चिकन टिक्का फ्राई। ये है मटन, जो ब्लैक पीपल्स का मटन, काली मिर्च का मटन, सैलेड, नान, ओके टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, लाइक करें, शेयर करें।